नमाज़े जनाजा कैसे पढ़ते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए नमाज़े जनाजा जो है वो इस पर चार तकबीरें कहना ज़रूरी होता है, ठीक है, क़याम करना ज़रूरी है और क्या चार तकबीरें कहना ज़रूरी है। चार तकबीरें कौन सी हैं, शुरू में आप जो है वो तरीका एक तरीका मालूम कर लीजिए कि नमाज़े जनाजा का तरीका यह है कि शुरू में आप अल्लाह नियत करेंगे कि मैं नियत करता हूँ जो नमाज जनाजा की, जो कि फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं कि भाई एक बस्ती है उसमें चंद आदमियों ने जो है वो नमाज जनाजा पढ़ ली तो सब पर कफारा हट जाएगा, ठीक है। नमाज जनाजा फ़र्ज़ नहीं है बल्कि फ़र्ज़ किफ़ाया, ठीक है, फ़र्ज़ ऐन नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया। तो फ़र्ज़ ऐन का मतलब ये होता है हर शख्स पर फ़र्ज़ है, लेकिन फ़र्ज़ किफ़ाया है कि चंद एक आदमी ने अदा कर लिया उस बस्ती पर रहने वालों के लिए तो सबके लिए जो है वो सबका फ़र्ज़ जो है अदा हो जाएगा, फ़र्ज़ किफ़ाया। अच्छा, इस पर क्या है कि सबसे पहले आप नियत करेंगे मैं नियत करता हूँ नमाज जनाजा की फ़र्ज़ किफ़ाया सना वास्ते अल्लाह ताला के, ठीक है, दुरूद वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते इस हाजिर मैयत के, पीछे इस इमाम के मुँह में काबा शरीफ कर। अगर आप ये नहीं भी कहते तो आप सीधा ये कह लेंगे मैं जो वो नमाज जनाजा पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इमाम साहब के पीछे पढ़ रहा हूँ, तो आप जो वो अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू कर दें। जैसे ही आप अल्लाह अकबर कहेंगे तो आप जो वो हाथ बांध लेंगे, हाथ बांधने के बाद जो वो सना पढ़ेंगे। सना में आप जो वो क्या किस्सा पढ़ेंगे कि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक, ठीक है, तो व जल्ल सनाउका ये इसका इजाफा करेंगे। वैसे आमतौर पर हम जो सना पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं नमाज में, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका, ठीक है। तो यहाँ पर किस्सा पढ़ेंगे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक, ठीक है। व जल्ल सनाउका पहले में नहीं कहेंगे बल्कि जो है हम दूसरे में नमाज जनाजा में हम कहेंगे ना, फर आम नमाजों में हम जो है व जल्ल सनाउका का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई शख्स नहीं भी करता तो नमाज हो जाएगी, मसला नहीं है। उसके बाद हम जो है अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथ बांध लेंगे, ठीक है, लेकिन ये अल्लाह अकबर कहेंगे उसमें जो वो हमें हाथ नहीं उठाने, ठीक है, हमने हाथ नहीं उठाने, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अकबर कहना है और जो है वो हाथ वैसे बंधे हुए। अब क्या करना है कि आप दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद जो है वो अल्लाह अकबर इमाम सब कहेंगे तो आप भी अल्लाह अकबर कहेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे दुआ पढ़ेंगे, अगर बालिग है तो अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना ये पूरी दुआ, अगर नाबालिग बच्चा है तो अल्लाहुम्मा जाअल लना ये पूरी दुआ, और अगर नाबालिगा है तो अल्लाहुम्मा जाअल हा लना, तो ये पूरी दुआ हम पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम सब अल्लाह अकबर कहेंगे, आप भी अल्लाह अकबर कह लीजिएगा, तो हाथ नहीं उठाना। उसके बाद जो वो सलाम फेर लेंगे, सलाम किस तरह फेरेंगे कि आप जो वो जो हाथ बांधे हुए आप हाथ को सीधा कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, उसके बाद जो है आप सलाम फेरेंगे। तो ये नमाज जनाजा का तरीका है।